मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सेलअप ले रहा हूँ तो सेलअप नहीं ले रही भाई। ये देखो बात समझ में आ रही है स्पोर्ट्स बाइक में किक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब इसमें किक भी नहीं है और ये बाइक सेलअप भी नहीं ले रही भाई। अब इसको चेक करवाते हैं और पहले से यहाँ बाइक वगैरह है काफ़ी सारी, अंदर सर्विस हो रही है भाई। इन्होंने मतलब सर्विस के टाइम चेक नहीं करते क्या बैटरी वगैरह? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माई ब्लॉग, और आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। तो भाई कैसे हो सारे के सारे? मैं उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। तो भाई आज ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, मतलब आज संडे राइड पे नहीं जा रहे भाई हम, आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है बिकॉज एक कार खरीदने वाले हैं भाई हम लोग। विश्वास नहीं हो रहा ना भाई हम कार खरीदने वाले भाई, मुझे भी नहीं हो रहा था बट कोई नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो अभी जस्ट मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ भाई, और अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं भाई। मेरे ना कुछ दिनों पहले यहाँ पर किसी मच्छर वच्छर ने काट लिया था तो आँख में स्वेलिंग आ गई थी, पता ही नहीं क्या हुआ था, बट अभी थोड़ा बहुत ठीक है यार। पता नहीं कैसा क्या लग रहा है मुझे नहीं पता। बट सो गाइस, तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं भाई, अभी फटाफट से निकलते हैं शोरूम के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई वो कार कौन सी है भाई, बहुत ही शानदार कार है भाई वो। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं भाई रोड पे। भाई ये वो वाला रोड नहीं है जो आप सोच रहे हो, रोड पे नहीं आए, वैसे वाले रोड पे आ चुके हैं भाई हम फाइनली। तो अभी निकलते हैं फटाफट से भाई। आज तुम देख सकते हो मॉन्स्टर क्या चमक रहा है भाई, और मैं तुम्हें बताऊं जस्ट ना अभी मिट्टी लग गई मेरे को, बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई क्योंकि धो के लाया था कल मैं इसको। तो देख सकते हो भाई क्या ही कातिल लग रहा है, क्या ही खतरनाक लग रहा है। तो अब इसको लेकर निकलते हैं अभी फटाफट से भाई, पहुँचने वाले हैं वैसे तो हम भाई। मुझे पता है तुम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भाई अभी समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि हम कार लेने वाले हैं भाई। भाई मुझे भी नहीं पता था बट अचानक से प्लान बन गया भाई। तो अभी चल के बताते पूरी हिस्ट्री क्या है भाई, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, और देखते रहना भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आज का भाई। सो गाइस, फिलहाल तो पेट्रोल डलवा लेते हैं भाई, बाइक में पेट्रोल नहीं है। ओ भाई भीड़ चेक मारो, आज हड़ताल पर जाने वाली है क्या भाई पेट्रोल की? भाई पेट्रोल हड़ताल पर जाने वाला है क्या? चेक मारो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मेरा नंबर पता नहीं कब आया, ग्लव्स निकाल लेता हूँ भाई, कैश भरवाएंगे पेट्रोल। और भाई इसमें एयर प्रेशर भी चेक करवाना है टायर का भाई, कितना क्या है, इसको यहाँ रख देता हूँ भाई। भीड़ चेक मारो कितनी ज़्यादा है भाई, पता ही नहीं मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सेलअप ले रहा हूँ तो सेलअप नहीं ले रही भाई। ये देखो पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई इसके अंदर। ये देखो आवाज़ भी पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, इसको दिखाना पड़ेगा भाई अभी। कैसे करूँगा अभी, भाई पता ही नहीं यार बाइक में क्या दिक्कत आ रही है, भैंस की टांग भाई, अजीब ही हो रहा भाई, बाइक सेलअप ही नहीं ले रही भाई यार, क्या है यार ये, क्या मतलब वो है यार, भैंस की टांग खड़ी खड़ी गाड़ी की, वो क्या हो गया? चलो एयर प्रेशर तो चेक करवाते हैं भाई, ऐसे कहाँ तक लेके जाऊँगा भाई मैं, गाड़ी बंद पड़ गई भाई, क्या भसड़ है यार, अजीब ही है यार भाई। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब ये सेलअप नहीं ले रही यार, सबसे गंदा सीन हो गया भाई, बेइज्जती करवा रही है भाई पेट्रोल पंप पे यार। ये प्रॉब्लम पहले आई थी और मैंने नोटिस नहीं करी, मैंने सोचा भाई हो गया होगा, अब ये सेलअप ही नहीं ले रही भाई, क्या भसड़ है यार, मतलब ज़िंदगी के पूरे लगे पड़े हैं यार भाई, सेलअप ले ले यार, स्टार्ट हो जा भाई, शोरूम तक तो चल भाई। ये चीज़ आज समझ में आ रही है स्पोर्ट्स बाइक में किक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब इसमें किक भी नहीं है और ये बाइक सेलअप भी नहीं ले रही भाई। अब यहाँ पे गंदा पस चुका हूँ और पसीने आ रहे हैं भाई शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, और धूप भी तुम देख सकते हो, अब ना तो ये स्टार्ट हो रही भाई और ना तो इसमें किक भाई, गंदे फंसे आज, बहुत ही गंदा फंसा भाई, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना यामा के ऊपर, क्या बताऊँ मैं भाई, पूरा साल भर नहीं हुआ उससे पहले भाई सेलअप की क्या दिक्कत आने लग गई, अब क्या बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो सकती है भाई, मैं तो इसको चालू भी करके नहीं छोड़ता
भाई सुबह शाम ऑन करके रखता हूँ भाई, ठीक है वो थोड़ी सी देर इसको कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन पता ही नहीं बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है भाई। पहले आई थी, मैंने सोचा नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, उसके बाद अब बढ़ गई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही और मुझे लेट हो रहा है भाई, अजीब भसड़ है यार भाई। धूप में पूरा परेशान हो चुका हूँ और हालत ख़राब है। अभी किसी को बुलाया, जस्ट मेरा फ्रेंड आ रहा भाई और हालत ख़राब है भाई। भाई अभी मैंने मेरे भाई को बुलाया, ये आया भाई लेने के लिए। बचा लिया गंजे तूने। भाई मैं जा रहा हूँ अब, ठीक है, सर्विस सेंटर और जो होगा देख लेंगे। अब देखते हैं भाई, मुंह फाड़ेगा, मुझे पता है मुंह फाड़ेगा। मैं बोला गाड़ी रख ले, कोई बात नहीं है भाई, अगर मुंह फाड़े तो आ जा। साइलेंसर की तरफ से करना। सो भाई लोग हालत देख सकते हो तुम, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये मतलब लड्डा है भाई, कुछ ही नहीं है, बिना बिना किक के बिना सेलअप के तो ये मतलब कचरा है भाई, कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अभी देखते हैं, मतलब माइंड पूरा हाइपर है भाई, देखते हैं अब जो भी मुँह से निकलेगा नहीं निकलेगा वो सब उधर देखेंगे वो लोग क्या बोलते हैं। अभी इसको उधर ही लेके जाऊँगा। और ये भाई अगर नहीं आता तो मेरा जुलूस निकल जाता और हालत ख़राब हो जाती भाई। ये अपनी दुकान छोड़ के आया, काम कर रहा था उधर, ये आया। और तो बट कोई नहीं, चलते हैं अभी। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर और अभी इसको चेक करवाते हैं। और पहले से यहाँ बाइक वगैरह है काफ़ी सारी, अंदर सर्विस हो रही है भाई। इन्होंने मतलब सर्विस के टाइम चेक नहीं करते क्या बैटरी वगैरह? ये लोग सर्विस के टाइम चेक नहीं करते क्या बैटरी वगैरह? अभी करवाते इसको चेक और निकलना है, माथा ख़राब हो रहा है भाई। तो भाई अभी बैटरी चेंज होगी यार, हालत ख़राब है भैंस की टांग, मतलब पनौती पे पनौती यार, ज़िंदगी पता ही नहीं क्या है भैंस की, समझ में ही नहीं आ रहा। बट कोई नहीं, अभी एक दिन मांगा है, बट यार अब किसी को काम होता है तो क्या करे वो बंदा, फिर गाड़ी छोड़ के जानी पड़े यार। बोला है बैटरी वारंटी में चेंज हो जाएगी। अभी ये इस भाई यही लफड़ा, बहुत गंदा लफड़ा उसने, बोला बैटरी वीक है भाई इसकी, बैटरी चेंज होगी। अंदर खोल, ये आ गया, यहीं से गाड़ी ली थी भाई, कहाँ गया? कहाँ गए भैया? अरे वो गाड़ी की बैटरी चेंज करवानी, उसका बिल दो यार सर्विस सेंटर में से। हाँ गाड़ी का साल भर भी नहीं हुआ, अभी तो अगस्त में होगा एक साल। हैं? अरे यहीं से तो लेते यार, मेरी यहीं फोटो को, मेरे को तो वो चाहिए बैटरी चेंज करवाने के लिए, फोटो को भी चाहिए, मेरे तो घर पे पड़ा हुआ है बिल तो यार, लेकिन दूर है यहाँ से घर 30-40। बाहर सी है मेरे पास तो गाड़ी की। इमरान भाई बात करो उनसे, आओ ना यार एक बार। उन्होंने भेजा, बोले गाड़ी तो यहीं से लेते, एक बार बैटरी चेंज करवाने के लिए एक बार जाओ। कैसे इमरान भैया? अरे यार वो गाड़ी की बैटरी में दिक्कत आ गई तो उन्होंने भेजा है, बोले आरसी तो यहाँ पर है, बिल घर पे रखा हुआ, बोले बिल की फोटोकॉपी जो वहाँ से ले आओ फिर बैटरी चेंज कर देंगे। करवा दो क्योंकि घर पे कोई है नहीं, वरना मैं फोटो वो मंगवा लेता, फोटो खिंचवा गया, घर पे कोई नहीं था भाई। लोग अभी तो भाई बाइक यहीं छोड़ेंगे, जस्ट भैया आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बिल देता हूं भाई, और पहले ये बोल रहे थे कि दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वो जानकार थे, वो इमरान भैया हमें जानते हैं, इस वजह से काम हो गया था अभी तो। बट भाई मेरा फ्रेंड का भी मतलब कॉल आ रहा, भाई कहाँ रह गया तू, कहाँ रह गया? और जस्ट भाई डिलीवरी लेनी है, मतलब इतना ज़्यादा डिले हो रहा है ना। सो भाई लोग हमें बिल तो मिल चुका भाई, और मेरा दोस्त मुझ पर चिल्ला रहा, भाई क्या हो गया, इतनी देर हो गई आया ही नहीं। अब देखते हैं फोटो कॉपी निकलवानी है यार भाई, बस यही भसड़ है। अभी बंद रहा सेकंड गेम में, कितना लगा? हाँ वैसे ही किया था, अभी तो दूर तक आके। सो गाइस फिलहाल तो गाड़ी जा चुकी है भाई अंदर, और अभी पैदल जाते हैं, फ़ोन करते हैं फ्रेंड को क्या चक्कर है भाई, और दिमाग पूरा ख़राब हो रहा है भाई, अब पैदल जा रहा हूँ यहाँ से, तो पैक करते हैं भाई हेलमेट वगैरह को। सो गाइस फाइनली बाइक तो पटक दी है भाई मैंने वहाँ पर, और अभी जस्ट चलते हैं, हेलमेट वगैरह सब हाथ में, देख रहे हो हालत पूरी ख़राब हो चुकी है भाई, मैं जैसा आया था वैसा लग नहीं रहा हूँ भाई, बट कोई नहीं यार,
पूरा पेट्रोल उसमें डलवा रखा था। सो भाई लोग, जैसा कि आपको पता था भाई, आज हमारा मॉन्स्टर ख़राब हो चुका है और तुम्हें पता है भाई, उसको मैंने सर्विस सेंटर पे डाल ही दिया है और तुम देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। और जस्ट बाइक सर्विस सेंटर पे भाई, मैं तुम्हें बता रहा था कि आज हम नई कार लेने वाले हैं भाई, तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि भाई कार भी आ गई, उसकी डिलीवरी भी हो चुकी थी भाई, और उसके बाद उसकी पूजा वगैरह भी हो गई, लेकिन ये हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच ही नहीं पाया भाई। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैंने कार ली है, मैं ही अपनी कार की डिलीवरी नहीं देख पाया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कार मैंने नहीं ली है भाई, जस्ट कार मेरे फ्रेंड ने ली है। और मैं आपको कार दिखाता हूँ, कार देखना एक बार भाई, ये है कार। और तुम देख सकते हो क्या गजब है भाई, जो इसका अंदर का इंटीरियर है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है खुशित, ये कार भाई उसने बाय करी है, जो कि शायद तक उसका खुद का एक सर्विस सेंटर है इस वजह से। और भाई काफ़ी प्यारी लग रही है, और अंदर से बताता हूँ भाई कितनी ज़्यादा, मतलब एक ऑसम वाइब दे रही है भाई। जस्ट मैं अभी बैठ के आऊँ ना, बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है भाई। तो जस्ट इसकी थोड़ी सी डिलीवरी थी भाई, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा मतलब भयानक होता, मतलब शानदार वाला सीन होता, भयंकर वाला। हमने सोचा था कि वहाँ जाएंगे भाई, शूट वूट करेंगे अच्छा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था भाई, बिकॉज़ कि तुम्हें पता है मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी भाई, काफ़ी दिक्कत आई। तो कार ये है भाई, तुम देख सकते हो। तो भाई लोग, ये है कार के ओनर खुशी से। तो सर बताइए, आपने ये कार कितने की बाई करी? ये अपने गिफ्टेड है, गिफ्टेड। सर वो क्या था, व्हाट डू यू फॉर लिविंग, क्या बोलते उसको? I don't know what I think. बोले मेरा बाप सरपंच है। तो भाई ये गाड़ी इसकी है दरअसल, मैं तुम्हें बता दूं, और इसी वजह से सुबह भाई जाते हम वहाँ पे शूट वगैरह करते, बट नहीं हो पाया भाई। इसकी प्लेट नंबर भी हैंड टू हैंड आ जाती है कार की भाई, बताओ हमारी प्लेट नंबर। तो भाई बाइक की प्लेट नंबर आने में ना। और भाई हम बताए, यही की लोकेशन है हमारे पास, उधर कब्रिस्तान है और जस्ट उसके आगे शमशान है, और उधर जो भी चर्च वगैरह जो भी होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, उनका जो भी होता है भाई दफनाने का जो भी। तो ये सीन है, मैं तुम्हें गाड़ी दिखाता हूँ अंदर से भाई, चेक मारो गाड़ी भाई। इसके फीचर इतने ज़्यादा है ना, मैं तुम लोगों को गिनाते गिनाते मतलब मैं खुद थक जाऊंगा, मुझे खुद को नहीं पता भाई इसके फीचर कितने। और जस्ट यहाँ पर सनरूफ वगैरह भी है, सारी सिस्टम है भाई इसके अंदर, चमक रहा लौंडा। और काफ़ी अच्छी ज़्यादा प्यारी कार है भाई। तो अभी देखते हैं, जस्ट यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लेके आए थे और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। सो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं तो, ठीक है भाई, हमारे भाई ने मतलब कार ले ली भाई, क्योंकि थ्री इडियट्स तुमने मूवी देखी होगी, उसका एक डायलॉग है भाई कि आज के 10 साल बाद अपने दोस्तों को कार खरीदते हुए देखोगे तो क्या करोगे। तो मतलब वही है भाई, देख रहे हैं हमारे दोस्तों को, बट हमारा भी एक सपना है कि भाई मैं भी अपने पापा को एक शोरूम में लेके जाऊँ, जो भी मेरी ड्रीम कार है, और वो उससे पर्दा हटाया। तो भाई बट कोई नहीं भाई, फ्यूचर में जो भी हुआ, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और जो भी है सब यही है भाई दुनिया। और काफ़ी मस्त लग रही है भाई अंदर से, जो इसका फील है ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा भाई अंदर से, कसम से इतने ज़्यादा खुशी हो रही है ना भाई, भाई ने कार लिया भाई यार। बट जो भी है, बहुत शानदार कार है भाई, और सारे फीचर है, और फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई, जैसे कि मर्सिडीज़ वगैरह होती है उसकी तरह फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई। और इसका आप लोग भाई, आज हमारा मॉन्स्टर आ चुका है, बिकॉज आज 2 दिन हो चुके हैं भाई, मैंने मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, और जस्ट अभी इसको एडिट वगैरह करना है, उसके बाद अपलोड करेंगे। सो गाइस, आज हमारा मॉन्स्टर आ चुका है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये हुई थी भाई, उसकी ना पूरी बैटरी चेंज हुई थी और बैटरी ख़राब हो चुकी थी। पता नहीं यार भाई कैसे क्या हुआ मेरे साथ, इस महीने इस साल में ना सब कुछ उल्टा उल्टा ही हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है। उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, अब बैटरी चेंज हुई है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे भाई। तो गाइस, आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके जाना भाई नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।